नमस्ते फ्रेंड्स ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज तांवला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का साइक्लो चैप्टर जिसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बेर का विकृतिवाद यानी स्ट्रेन थ्योरी ऑफ बेर जिसमें खूब सारी कमियां रह गई थी जो ये नहीं समझा पाया था उसके अनुसार तो यह था कि जो साइक्लो है वो साइक्लो से ज़्यादा स्थायी होता है या फिर ये साइक्लो एगजेन या उत्तर एल्केन है साइक्लो उनके स्थायित्व को नहीं समझा पाया था और उनके अनुसार सभी आकृतियाँ साइक्लो एल्केन है वो समतलीय होने का प्रयास करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है इसी को समझाने के लिए या जो साइक्लो एल्केन है उत्तर साइक्लो है उनके स्थायित्व को समझाने के लिए सासे हुए नामक वैज्ञानिक ने सुझाव दिए थे या सिद्धांत दिया था जिसे सासे व मोर का विकृति हीन का सिद्धांत कहते हैं या इसे सासे व मोर ने दिया तो और क्या कहते हैं सासे व मोर का तनावहीन वलु का सिद्धांत तो चलिए आज देखते हैं अपन तनावहीन वलियो का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग्स इसे देखे तो सासे व मोर ने वे के स्थायित्व को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया था जिसे विकृतिहीन वैल्यू का सिद्धांत कहते हैं इसे सात हुए मोर ने दिया इसलिए इसका नाम भी इन्हीं के नाम पर रख दिया गया और सात मोर का का विकृतिहीन सिद्धांत भी इसे कहते हैं एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है सात से वोर का विकृतिहीन सिद्धांत समझाइए से मोर ने क्या किया था या इससे ज्यादा कार्बन परमाणु वाली वलय के स्थायित्व को व्याख्या करने के लिए एक सुझाव दिया है कि वलय वो समतल नहीं होती है बेर ने तो बताया था कि समतल होती है लेकिन ये बोल रहे हैं कि समतल नहीं होती है जो बेर की विकृति थी उसको दूर कर रहे हैं तो समतल नहीं होती तो कैसी होती है इन्होंने कहा कि समतल नहीं होती है ये पुटित या पकड़ होती है पुटित यानी सिकुड़ी हुई कुटित या पकड़ होती है नेक्स्ट है साइक्लोहेक्जेन की पकड़ स्ट्रक्चर यानी पकड़ संरचना या संरूपण के कारण उसमें उपस्थित जो कार्बन परमाणु है इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि कार्बन कार्बन जो बंद कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट ही रहता है जबकि बेड ने क्या कहा वो 109 डिग्री 28 मिनट से कुछ क्या हो जाता है विकृत हो जाता है या विचलित हो जाता है लेकिन इन्होंने कहा कि यह बंध कौन है वो 109 डिग्री 28 मिनट से विचलित नहीं होता है इस प्रकार का वल्ले विकृति हीन होता है सासे सिद्धांत के आधार पर साइक्लो है दो प्रकार की तनावीन वॉल्यूम में होता है वो कौन कौन सी है एक तो उन्होंने कहा था कि साइक्लो जो साइक्लो स्ट्रक्चर होती है उसे हम इस प्रकार बनाते हैं लेकिन यह समतलिय नहीं होती है ठीक है कैसी होती है होती है यानी होती है इसमें क्या होता है कि कुछ सिकुट जाती है स्ट्रेस आ जाता है जिसके कारण ये दो प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं जो आप पिछली क्लास में पढ़ के आए थे कौन कौन सी नौका और पुर्शी बनाते हैं तो चलिए देखते हैं या तो क्या बनाएंगे नौका सर्चना या बोर्ड फॉर्म या नौका सरचना या फिर क्या बनाएंगे या बनाएंगे कुर्सी संरचना जिसमें रहेंगे वही कार्बन। वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स कार्बन दोनों संसनाओं में सिक्स सिक्स ही कार्बन रहेंगे यह अपनी चेयर फॉर्म यानी कुर्सी रूप आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक उसके बाद में नेक्स्ट समझते हैं सासे के बाद मोर ने इन पे अध्ययन किया था और अध्ययन के फलस्वरूप यह पाया था कि जो नोका स्ट्रक्चर है और कुर्सी स्ट्रक्चर है यानी बोर्ड फॉर्म और चेयर फॉर्म है उनमें ऊर्जा का अंतराल क्या होता है बहुत ही कम ऊर्जा अंतराल होता है और बहुत कम ऊर्जा अंतराल होने के कारण ये रूम पे क्या एक दूसरे में बदलते रहते हैं या परिवर्तित होते रहते हैं इनकी एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है और उन्होंने यानी मोर ने यह पाया 1918 में कि जो उनकी कुर्सी फॉर्म है वो नौका फॉर्म की तुलना में ज्यादा स्थायी होती है स्थायित्व है वो पुरुष रूप का क्या होता है ज्यादा होता है नोका फॉर्म से या बोर्ड फॉर्म से नेक्स्ट देखते हैं यही है मोर ने 1918 में 1918 में बताया कि साइक्लो नोका रूप की तुलना में कुर्सी रूप अधिक स्थाई होता है सेकंड बताया इन्होंने रूप कुर्सी रूप के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होने के कारण वे एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं अब ये स्थाई कम क्यों होता है नोका रूप वो अब बताते हैं इसका रीजन है प्लेक पोल हाइड्रोजन चलिए तो देखते हैं फ्लेक पोल हाइड्रोजन होता क्या है अपना जो नोका स्ट्रक्चर थी कुछ इस टाइप में थी इसमें कार्बन कितने होते हैं छह कार्बन ये हो गया सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव और सी कार्बन है और इनसे सबसे कितने दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं शेक्टू, शेक्टू तो होते हैं ना सब में साइक्लो, में अब इनमें जो सी फोर वन वन और सी फोर के जो कार्बन है उनके हाइड्रोजन है उनमें क्या होता है प्रतिकर्षण होता है या अंतर क्रियाएं होती रहती है जिसके कारण नौका रूप है वो कम स्थाई होता है और पुरुषी रूप है वो अधिक स्थाई होता है चलिए तो देखते हैं साइक्लो एक्जेन के नौका रूप में कार्बन संख्या एक व कार्बन संख्या चार के हाइड्रोजन के बीच में प्रतिकर्षण या अंतर क्रियाएं होती है इन हाइड्रोजनों को क्या कहते हैं फ्लेगपोल हाइड्रोजन कहते हैं जो इन हाइड्रोजनों के बीच में जो प्रतिक्रियाएं हो रही है इन हाइड्रोजनों को क्या कहते हैं प्लेकपोल हाइड्रोजन शॉर्ट में डेफिनेशन पूछ सकते हैं इन हाइड्रोजनों के कारण तो कौन से है प्लेकपोल हाइड्रोजनों के तो कारण के प्रतिकर्षण के, के, के कारण ही नौका रूप का स्थायित्व क्या घटता है इनमें प्रतिकर्षण होता है तो इनमें क्या विकृति आ जाती है और स्थायित्व घट जाता है इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिए आप अब देखते हैं डेकालिन यानी डेकालिन होती क्या है उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो देखते हैं 1918 में सासे ने सॉरी 1918 में मॉर ने सासे के जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसको आधार मानकर मोर ने इसे डेकालीन पर लागू किया था अब डेकालीन होते क्या हैं दो साइक्लो एक् होते हैं दो साइक्लोहेन के संयुक्त रूप को ही क्या कहते हैं कहते हैं। दो साइक्लोहेगजेन एक साइक्लो एक्जेन और ये दूसरी वाली साइक्लो एक्जेन इनकी जुड़ी हुई स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं डेकालीन डेका मतलब दस मतलब इसमें दस कार्बन होते हैं क्योंकि ये दो कार्बन है वो कौन से होते हैं साजे के कार्बन होते हैं कुरसी व नौका सर्पण के संयोजन से दो प्रकार की डेकाल बनती है एक तो सिस और एक ट्रांस तो चलो देखते हैं इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है जिसमें दो दो कार्बन क्या होते हैं शेड वाले होते हैं शेर की हुए है। कौन कौन से होंगे अपनी संरचना है? है अपनी नौका संरचना जिसको क्या बोलते हैं नौका रूप वाली है कौन सी जिसको बोलते हैं फॉर्म और ये डेकालीन तो सिस डेकालीन हो जाएगा ये ठीक है इसमें दो हाइड्रोजन है दो कार्बन सॉरी दो कार्बन है वो शेयर वाले हैं एक तो ये कार्बन जो फर्स्ट रिंग से भी शेयर हो रहा है सेकंड से भी एक ये कार्बन है वो ये दोनों रिंग से क्या हो रहे हैं शेयर हो रहे हैं अब सेकेंड देखें अपन कुर्सी फॉर्म जिसको क्या बोलते हैं ट्रांस होगी अपनी ट्रांसफॉर्म ट्रांस, ट्रांस मतलब दो दो स्ट्रक्चर बनके किसका निर्माण करती है सिस और ट्रांस का यह किस फॉर्म में चेयर फॉर्म में होती है चेयर फॉर्म में होती है इसका भी आप स्क्रीनशॉट्स लेके सेव कर लीजिए नेक्स्ट देखते हैं जो अपने ट्रांस और शीश डेकालीन है उनको बेंजिन जैसी छह बुझाओं वाली वल्ले से प्रदर्शित करते हैं तो चलिए देखते हैं जो शिष्ट डेकालीन है उसमें क्या शिष्ट डेकालीन में दोनों वलियों के संयोजन बिंदु है पर हाइड्रोजन परमाणु वल्ले के तल के ऊपर व्यवस्थित होते हैं जैसे कि इसको ऐसे भी ले सकते हैं अपन यह होगी दो बेंजीन वाले और या बलोहेक्जन दो मिलके या दो छह वाली वाले मिलके किसका निर्माण करती है डेकालीन का अब वो डेकालीन कौन सी है यह डेकालीन कौन सी है कैसे पता चलेगा यह चलेगा कि जो हाइड्रोजन परमाणु अपना वो दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या हो ये तल है। उन तल के ऊपर व्यवस्थित होंगे दोनों तल के ऊपर व्यवस्थित हो तो क्या होगा वो सीस डेकालीन और जबकि तल के एक ऊपर हो और एक तल के नीचे होगा तो वो कौन सा होगा ट्रांस डेकालीन तो चलिए देखते हैं जबकि ट्रांस डेकालीन में एक हाइड्रोजन परमाणु वले के तल के ऊपर व्यवस्थित होता है और एक तल के नीचे व्यवस्थित होता है ये हो कौन सी डेकालीन इसका भी पता नहीं है कि कौन सी शीस है या ट्रांस है तो चलिए देखते हैं इसमें जब एक तो सिमिट्री ऑफ प्लेन यानी तल के ऊपर हाइड्रोजन व्यवस्थित हो और एक हो वो तल के नीचे व्यवस्थित हो मतलब ये पीछे की तरह व्यवस्थित है तरफ व्यवस्थित है ये ऊपर की तरफ व्यवस्थित है या तो ऐसे ऊपर की तरफ है ये ऐसे पीछे की तरफ व्यवस्थित है तो एक तो ऊपर है और एक नीचे है तो ये कौन सी होगी ट्रांस डेकालीन या जिसको हम चेयर फॉर्म में लेते हैं चेयर फॉर्म वाली वो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए अब देखते हैं अपन प्रिपरेशन ऑफ डेकालिन्स या डेकालिन्स का निर्माण या बनाने की विधियां कैसे बनाएंगे तो चलिए देखते हैं कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक उत्प्रेरक उपस्थिति में उपस्थिति में नेप्थलीन का अब चयन करवाने पर करवाने पर क्या प्राप्त होते हैं डेकालस प्राप्त होते हैं अब कौन सी डेकालीन प्राप्त होगी किस उत्प्रेरक की प्रेजेंस में तो चलिए देखते हैं अगर हम उत्प्रेरक कौन सा ले रहे हैं निकल कैटलिस्ट के रूप में अपन निकल लेते हैं तो हमें ट्रांस डेकालीन प्राप्त होगी और अगर केटलिस्ट के रूप में यानी उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगी सिस डेकालीन प्राप्त होगी रिएक्शन किससे करानी है वही नेपतेलिन से तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं करके देखते हैं एग्जाम्पल तो क्यों हो गया अपना नेपतेलिन जो दो बेंजिन वाले मिलकर बना रहे हैं अब इसका क्या कराएंगे अब चेन कराएंगे यदि यही अब चेन निकिल की अपचैनिक में हो तो क्या बनेगा निकिल की प्रजेंस में होगा तो यह होगा अपना ट्रांस बेकालीन डेकालीन प्राप्त होगा और यही अगर इसमें कैटलिस्ट का काम करें प्लेटिनम अगर प्लेटिनम काम करे तब नेपटेलिन का आप चेन कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा सिस, डेकालीन ये हो गया अपना शीस डेकालीन जब वले के तल के ऊपर हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन वले के तल के ऊपर हो तो कौन सा होता है और जब वले के तल के एक ऊपर हो और एक उनके पीछे हो तो कौन सा होगा यानी नीचे हो तो ट्रांस डेकालीन प्राप्त होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अब नेक्स्ट देखते हैं अपन केमिकल रिएक्शंस ऑफ डेकालीन यानी कि जब हम डेकालीन की केमिकल रिएक्शन सेलेनियम की प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या होगा पर, प, प्राप्त होगा जब उनका विहाइड्रोजनीकरण या डीहाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो चलिए रिएक्शन देखते हैं इसकी चाहे वो सिस्ट डेकालीन लेना या फिर ट्रांस लेना डेकालीन का क्या करवाना है वी हाइड्रोजनीकरण और वो भी किसकी प्रजेंस में सेलेनियम की प्रजेंस में और एस टू बाहर निकल जाएंगे हर जगह से एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ यानी आठ हाइड्रोजन है वो आठ हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल है वो बाहर निकल जाएंगे और सब जगह के फ्री रेडिकल बन जाएंगे और नेपथेलिन का फॉर्मेशन करेंगे क्या हो गया अपना नेपतेलिन इसकी दूसरी रिएक्शन देखें तो वो है डेकालीन का ब्रोमीकरण करवाने पर सेकेंड रिएक्शन कौन सी देते हैं डेकालीन का ब्रोमीकरण यानी ब्रोमीन से रिएक्शन करवाने पर करवाने पर वन ब्रोमो डेकालीन प्राप्त होते हैं एग्जाम्पल देखे दो अपने पास कोई सी भी डेकालीन है वो ले लो चाहे सीस ले लेना या ट्रांस ले लेना उसका क्या ग्रहण है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है, ब्रोमीकरण है, तो क्या होगा कहीं भी एक जगह से कहीं भी एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल मान लो फ्री रेडिकल वो क्या होगा बाहर निकलेगा और यहां से एक ब्रोमीन निकलेगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा और जो एक ब्रोमिन बचा वो यहां वापस इस फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा और रिजल्टेंट हमें क्या प्राप्त होगा यहां पे क्या आ जाएगा ब्रोमीन। तो अब हमें रिजल्टेंट प्राप्त होगा वो है वन ब्रोमो डेकालीन यहां पर हमारा चैप्टर साइक्लो एल्केन कंप्लीट होता है थैंक यू